एंड डॉग को देखो, इनका मुंह देखो कितना मस्त लग रहा है। हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, मैं हूँ छत पे, क्योंकि इस टाइम जो मौसम होता है ना बहुत प्यारा हो जाता है। इधर से हल्की हल्की मतलब धूप सी आती है और मतलब पीछे के टाइप को पूरा ठंडी ठंडी हवा आती है, तो बहुत ही मस्त लगता है। और ज़्यादातर इसी टाइम पर जो कि पक्षी वगैरह और जो गिलहरी वगैरह ज़्यादातर इसी टाइम पर हमारी छत पर आती हैं, तो अभी उन्हें ही देखने आया था। बट हमारे यहाँ पीछे बहुत मस्त मौसम हो रहा है, वैसे आप देख रहे हो। वैसे ये पत्ते झड़ने वाला मौसम है, पत्ते वगैरह बहुत ज़्यादा झड़ते हैं पेड़ वगैरह में से। आप सभी को ये आर्मी वाली स्टोरी थी जो कि मैं थोड़ी वीडियो शूट करके लाया हुआ था। वैसे इसके 3 पार्ट थे, अभी 2 ही देखे हैं आप सभी ने, और वैसे एक और है ना वो डिलीट हो गया मेरे से, क्योंकि एडिट कर रहा था उस टाइम पर, जो कि मैंने सोचा जो कि मेरे मोबाइल में ना मेमोरी फुल हो जाती है, तो इस चक्कर में मैं जो पार्ट बनते आते हैं ना, मतलब जो डलते आते हैं यूट्यूब पर, वो मैं डिलीट करते जाता हूँ उसके सारी वो डॉक्यूमेंट वगैरह। तो अभी जो कुछ इंपॉर्टेंट थे वो भी डिलीट हो गए, और ब्लॉक के थे वो भी डिलीट हो गए, तो अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। कहीं नहीं, बट आगे और आएंगे तो अब हम आगे के लिए होशियार रहेंगे, जो कि जो पार्ट वगैरह होते हैं ना, जो कि हम बना के लाते हैं, शूट करके लाते हैं, उन्हें अच्छे से अलग कार्ड होता है ना मोबाइल का, उसमें रखा करेंगे अलग से। तो अब और देखेंगे कभी कुछ हुआ तो। वैसे अभी इस टाइम मौसम बहुत ही सही हो रहा है, मतलब अभी छत पर कपड़े डले हुए हैं हमारे पे, तो ये सारे उठा के नीचे ले आना है, वो भी ले आऊँगा अभी मैं। वैसे कपड़े तो सारे ले लिए हैं, और अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बाहर घूमने की, क्योंकि बहुत दिनों से मैं बाहर नहीं गया हूँ, जो कि अभी 12th का टाइम है ना, तो पूरे दिन पढ़ाई में निकल जाता, पता ही नहीं पड़ता कोई और कुछ भी करना है। वैसे आज मैं फ्री हूँ, तो आज हम पक्का घूमने जाएंगे और कहीं बैठ के आराम से बैठेंगे, मतलब शांति की जगह पे, थोड़ा बहुत वहाँ का नेचर का सीन लेंगे, क्या है कैसा है आज बाहर। गाइस, वैसे हम तैयार हुए थे बाहर घूमने के लिए, जो कि टोपी वोपी लगा के और ये हेयर पॉन डाल के, क्योंकि साइकिल चलाते हैं ना जब टाइम पास नहीं होता है, जैसे लगा लो ना साउंड चलाते चलाते मज़ा आता जाता है। और अभी मम्मी ने काम पकड़ा दिया, मेरा निकलने का जस्ट टाइम होता उसी टाइम पे एक्यूरेट मम्मी काम पकड़ा देती है। क्या काम पकड़ा दिया? वैसे काम तो मेरा है, मेरी खुशी के लिए, वैसे खुशी के लिए नहीं, मेरे अच्छे के लिए, क्योंकि मेरी साइकिल की सीट है ना, जो कि आप देखो, सॉरी साइड को ये देखो, जो सीट है ना मेरी साइकिल की सीट पूरी फट गई है। वैसे जैसे 1 ईयर कंप्लीट हो गया मेरी साइकिल को, क्योंकि मैं जब लाया था ना वो पूरी साइकिल मस्त रखी थी, एकदम गियर वियर सब कुछ चलता था, बट अकस्मात मैं साइकिल चलाना सही से नहीं आता, बट उस टाइम पर मैंने साइकिल को गिराते गया, तोड़ते गया, और सब कुछ धीरे धीरे फटता गया मेरी साइकिल, क्योंकि बाहर रखी रहती है ना, बच्चे वगैरह आते हैं ब्लेड वगैरह से सीट वगैरह फाड़ देते हैं, बट कोई नहीं, वो तो बच्चे हैं, वो तो क्या समझेंगे। बट अभी हम जा रहे हैं अपनी साइकिल की सीट डलाने, तो अभी हम सीट डला के आते हैं और फिर देखते हैं, कहीं घूमने का टाइम मिला तो हम घूमेंगे भी। डॉग देखो कितने मस्त लग रहे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, जो कि कार में ही टहलते रहते हैं। ये देखो ये देखो इनका मुँह देखो, बहुत डरावना लग रहा है, ज़्यादा डरावने लग रहा है इनका मुंह वगैरह, बगल में जाने का भी मन नहीं कर रहा है, ये देखो बहुत खतरनाक है। वैसे कार में बैठे बैठे गाने सुन रहे हैं अपना, चलो तो हम चलते हैं अभी। इसमें ने अपनी शर्ट के सारे बटन हैं जो कि लगा लिए हैं, और बाज़ार में आज भीड़ वैसे बहुत ही ज़्यादा है, मतलब अभी एक साथ छोड़ के साइकिलिंग तो कर रहा हूँ, वैसे यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, पीछे बहुत ज़्यादा है, ये देखो, तो इस चक्कर में अभी कर रहा हूँ। वैसे अभी हम साइकिलिंग करते करते बहुत दूर तक आ गए हैं, और अभी हम चलते आ रहे हैं। वैसे सीट वाले अंदर की दुकान देख रहे हैं कहाँ पर मिलेगी। वैसे इसकी साइकिल ली थी ना, वहाँ से पूछा तो ऐसे कह रहे तुम्हारी साइकिल है ना, इसकी सीट आपको 1 महीने रुकना पड़ेगा जब जाके आई, क्योंकि वाली कंपनी की सीट है ना हरकुलस की, तो अभी आ नहीं रही है क्योंकि, तो अभी वो बोल रहे थे थोड़ा टाइम लग जाता है, मैं देख रहा हूँ सीट बनवा ही लेता हूँ, क्योंकि गाड़ी वगैरह की बनती है उधर से, भाई हम चलते हैं उधर ही, देखते हैं क्या होता है। एक सीट सही करने वाले भैया की दुकान मिली है, भैया सीट सही हुई साइकिल की सीट है, आप नहीं बनाती तो साइकिल की सीट बनाती नहीं है जी, तो सीट सही करने वाले अंकल है ना, उनकी दुकान मिल तो गई है, और वो सही नहीं कर रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं मैं कल करूँगा कल आना, बट कोई नहीं अब कल करेंगे। और मुझे गणेश जी मिल गए हैं यहाँ पर, कुछ अंदर बैठे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और उनके दर्शन करके अभी हम निकल पड़ते हैं अपने घर की साइड। सीट ढूंढते ढूंढते जो कि गाड़ी सही होती है यहाँ पर, गाड़ी वगैरह का सामान मिलता है, तो चारों तरफ
गाड़ी वगैरह सही होने की दुकान है, उधर आ गया हूँ सीट जुड़ते उड़ते। आर्टिफिशियल सामान दिखाता हूँ, जैसे बहुत मस्त लगा मुझे, क्योंकि ये बूढ़ा वगैरह ये देखो, और मैं देख के लेने का मन करने लगा। जैसे तो आपको हीरन की मुंडी और रियल का सिर दिखाता हूँ छोटा वाला, देखो कितना मस्त लग रहा है वो। गाइस ये देखो कितना रियल लग रहा है, रियलिस्टिक लग रहा है पूरे सिर, ये देखो खतरनाक लग रहा है बिल्कुल, कितना खतरनाक लग रहा है देखा आपने। और एक हिरण की मुंडी दिखाता हूँ जो कि रियलिस्टिक लग रही है वो भी, ये देखो कितनी मस्त लग रही है ये हिरण की मुंडी, ये देखो कितनी रियल लग रही है ये मुंडी। अभी देख के मैंने सोचा कि सही में हिरण की मुंडी तो नहीं आ गई रियल में, इस चक्कर में मैं यहाँ पर खड़ा हुआ, फिर मैं सोचा यार ये तो फेक है, मतलब जो डबिंग कर दी है सेब वगैरह की, ये पीछे देखो मतलब रियल लग रहा है ना बाहर से, खतरनाक उसका बच्चा लग रहा है सेब का, मस्त लग रहा है वैसे टॉयज तो और भी मस्त है, खतरनाक होते हैं। पता है शेर कितने का है? 1850 का। भाई मेरे पास भी जेब में इतने पड़े होते ना पक्के में मैं ले लेता। गाइज वैसे हम आ गए हैं और अभी आते बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हमने खाना वाना खा के थोड़ा बहुत पड़े और अभी हम एडिटिंग कर रहे हैं। तो गाइज अभी ये डेनवर एडिट का एक्वेरियम है ना, जिससे इतनी ज़्यादा लाइट आ रही है कि आपको पूरा लाइट लाइट दिख रहा होगा, जो देखो अब आपको सही दिखेगा मेरे को, हाँ अब आपको सही दिख रहा है। वैसे छोटी वाली है ना एलिन, इसके एक बैक पे वो मतलब जो डर गई थी ना पत्थरों वगैरह से, मतलब क्रॉस से आ गई है, उसमें थोड़ा थोड़ा खून से निकल रहा था, बट मैंने दवाई डाल दी ना अब बंद हो गया, बट कोई नहीं कोई आगा सही धीरे धीरे। वैसे इनकी स्किन बहुत जल्दी सही होती है। गाइस आई होप आपसे कोई वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड बाय।